हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आशीष और अफ्रीका में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे एक फ्रेंड हैं इंडिया में, उनको कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है यहाँ रवांडा की गाली में। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और पूछा कि यहाँ पे ऑफिस और घर का रेट क्या है, अगर मुझे रहना हो और ऑफिस एक खोलना हो तो मुझे कितना एक्सपेंस करना पड़ सकता है। तो मैंने कांटेक्ट किया एक ब्रोकर को और उसने मुझे बुलाया है एक लोकेशन पे जहाँ पे एक ऑफिस खाली पड़ा है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे अफ्रीका में क्या रेट हैं ऑफिस के। और तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच गए हैं लोकेशन पे। यह है पूरी बिल्डिंग जिसके अंदर एक छोटा सा ऑफिस के लिए बुलाया है हमें ब्रोकर ने कि यहाँ पे खाली पड़ा है। तो ये देख सकते हैं आप, ये बिल्डिंग है 3 मंजिला, 3 फ्लोर हैं इसमें। और यहाँ पे नीचे स्टेयर्स हैं जिसके थ्रू हम लोग ऊपर जाएंगे। यहाँ पे कुछ दुकानें दिख रही हैं मुझे। और चलिए देखते हैं कि अंदर कैसा है ऑफिस जो हमें प्रपोज किया जा रहा है। तो ये है स्टेयर ऊपर जाने का। फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस है। तो चलिए देखते हैं क्या रेट है और कितना स्पेस है अंदर। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर से कुछ ऐसा दिखता है जहां ऑफिस से ये बीपीआर बैंक है। यहां पे देख सकते हैं बीपीआर लिखा हुआ, बीपीआर बैंक है केमलोंगको, इस जगह का नाम है। और यहां पे एक छोटा सा मार्केट है, छोटा सा क्या, बहुत अच्छा मार्केट है एक्चुअली यहां पे। तो इधर कुछ बिल्डिंग्स हैं और ये अंदर का है व्यू। इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ सामान रखा हुआ है, ये फर्निश्ड नहीं है, ये अनफर्निश्ड है। मीन्स इस जगह में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, मीन्स सिर्फ जगह मिलेगा। तो देख सकते हैं इसमें 2 रूम है, एक तो ये और एक अंदर है। तो अभी रेनोवेशन का काम कुछ बाकी है, इसमें रिनोवेशन हो जाएगा, बाकी सब सामान हट जाएंगे इसमें से, तो पूरा ये खाली हो जाएगा ऑफिस के लिए। तो इसको लेने के बाद आपको इसमें चेयर और टेबल्स वगैरह ऐड करना पड़ेगा। तो ये सेकेंड रूम है। सेकेंड रूम में देखिए क्या, कितना स्पेस है, करीब 6 मीटर। और ये है वॉशरूम जो कि ऑफिस के लोग यूज कर सकते हैं। तो कुल मिला के इसमें 2 रूम और एक वॉशरूम है और छोटा सा बालकनी में स्पेस है, जैसा कि आप देख सकते हैं बाहर स्पेस है, कुछ लोग खड़े हैं उधर। तो अगर हम इसकी रेट की बात करें तो इसका रेट है $300, $300 इसका प्राइस है पर मंथ। और $300 अगर इंडियन रुपीज में बात करें तो करीब लगभग लगभग 24,000 रुपये, ₹24,000। तो इतने छोटा सा स्पेस के लिए 24,000 ओनर ने मांग की है कि 24,000 पर मंथ उसको चाहिए। तो एक ये सस्ता सा है, लेकिन अगर आप और फर्निश चाहते हैं तो आपको और भी अच्छा मिल सकता है, क्योंकि सिर्फ इसमें स्पेस है और चेयर और टेबल्स और कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, सारी चीज़ें खरीद के लगानी पड़ेगी। तो इसका प्राइस है $300। अगर आप लेते हैं फर्निश्ड, मीन्स सब कुछ ऑफिस का जो भी सामान होता है वो अवेलेबल होगा, तो वो $500 से $600 के आसपास आएगा, यानी कि 40 से 45 हज़ार रुपये के आसपास पर मंथ पड़ेगा आपको। तो फ्रेंड्स, ये है किगाली रवांडा में एक छोटे से ऑफिस का रेट जो कि अनफर्निश्ड है, कोई भी फर्नीचर वहाँ पे नहीं है। तो इसका रेट है $300। अगर ये फर्निश्ड होता तो होता $500 से $600। तो इस रेट में आप यहाँ पे ले सकते हैं ऑफिस। और ये डिपेंड करता है थोड़ा सा महंगा और सस्ता जगह के ऊपर कि मार्केट में ले रहे हैं, आउटसाइड आप मार्केट ले रहे हैं, थोड़ा सा आउटसाइड में, आउटर में थोड़ा सा आपको सस्ता मिल जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि आपको 300 से 600 के बीच में, $300 से $600 के बीच में आपको
किगाली रवांडा में आपको ऑफिस या घर मिल जाएगा।